CS बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि क्या कहती है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर, जानेंगे गुजरात सरकार ने किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, साथ ही साथ देखेंगे कि किसे नवाजा गया है उत्तराखंड में महिलाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान से। आइए सुनते हैं इन खबरों को हमारे साथियों से। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। आए दिन दुनिया भर में हो रहे अध्ययन हमें इसके खतरों से चेता रहे हैं। आइए सुनते हैं इसी से संबंधित खबर हमारे साथी बबीता जोशी और मिलनवीर कौर। जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव तीव्र और व्यापक हो रहे हैं। अगली जलवायु वार्ता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 26वां संस्करण यानी कॉप 26 नवंबर में ग्लासगो में आयोजित होने वाली है। भारत के लिए अगले 15 महीनों में जारी किए जा रहे 4 क्लाइमेट चेंज पर आधारित अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट में बदलते मानसून, बढ़ते समुद्र स्तर, घातक गर्मी की लहरों, तीव्र तूफान, बाढ़ और हिमनदों के पिघलने पर पाए जा रहे ठोस सबूतों पर प्रकाश डाला गया है। A report by the UN on Monday on science of climate change said the impact of global warming were intensifying and widening. The next climate negotiation, United Nations Climate Change Conference known as COP26, are scheduled to be held in Glasgow in November. The first of four intergovernmental panel on climate change reports being released over the next 15 months highlighted harder evidence for a changing monsoon, rising seas, deadlier heat waves, intense storm flooding and glacier melt. गुजरात सरकार ने वन बंधु कल्याण योजना 2 के तहत आदिवासियों के लिए एक निर्णय लिया है। जानते हैं इस बारे में हमारे साथी साक्षी कांडपाल और गुरप्रीत कौर से। गुजरात सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। सरकार अगले 5 वर्षों में आदिवासियों के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना 2 के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत अब तक इन आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। द गुजरात गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर ओपनिंग 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। द गवर्नमेंट विल स्पेंड 1,00,000 करोड़ अंडर द वन बंधु कल्याण योजना 2 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। ₹90,000 करोड़ हैज बीन स्पेंड ऑन वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स इन दोस ट्राइबल एरियाज अंडर द स्कीम टिल नाउ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जिसे साझा कर रहे हैं हमारे साथी पंकज जोशी और ऋतु। संयुक्त राष्ट्र की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन बहुत व्यापक स्तर और तेजी से हो रहा है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक गर्मी की लहरें, सूखे और बाढ़ केवल एक दशक में तीव्र गति से बढ़ गए हैं। यह मानवता के लिए खतरे के संकेत हैं। संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चेतावनी दे रही है। यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक रिपोर्ट से ह्यूमन एक्टिविटी इज चेंजिंग द क्लाइमेट इन अनप्रेसिडेंटेड एंड समटाइम्स इरिवर्सिबल वेज। The landmark study warns of increasing extreme heat waves, drought and flooding, and the key temperature limit being broken in just over a decade. Therefore, the report is a code red for humanity, said by UN chief. Code red of humanity shows that the UN report delivers warning on climate change. भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बता रही है साथी अंशिका और रोहित। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। इसके अलावा उन्हें हरिद्वार जिले के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का
ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। वहीं वंदना को तीलू रोतेली पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो महिलाओं को राज्य स्तर पर दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। टीम इंडिया हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द स्टेट चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी अनाउंस्ड ऑन संडे। बिसाइड्स शी वॉज ऑल्सो मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। कटारिया वॉज ऑल्सो अवार्डेड द टीलू रोतेली अवार्ड द स्टेट्स हाइएस्ट ऑनर फॉर वुमेन। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए NPS बुलेटिन के साथ।